हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रणबीर जेई CBT2 इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा 2019 का, उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है ना, जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट 1/9/2019 को एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, अपना जो एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एक हुआ था 31/8/2019 को हुआ था, एंड सेकेंड जो एग्जाम हुआ था 1/9/2019 को। ठीक है ना, तो ये दो एग्जाम हुआ था, एक 31/9 वाला, 31/8 वाला हुआ था, एंड एक हुआ था 1/9 का। दो पेपर अपना हुआ था एग्जाम। तो 31 वाला मैं वीडियो दे चुका हूँ, 31/8 का मैं वीडियो पहले से बना दिया हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। 2022 का, 2019 का ये पेपर था। ठीक है ना, तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ये वाला 31/8 का पेपर का। ये जो सोल्यूशन रहेगा ये 1/9 का सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल डेटा मेमोरी डेट कैन बी इंटरफेस्ड टू दी 8051। ठीक है ना, 8051 एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो बोल रहा है इसका एक्सटर्नल मेमोरी डाटा मेमोरी कितना बिट का होता है, यानी कितना KB का होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझो कि 8051 जो अपने पास होता है, 8051, इसको इसका जो मेमोरी होता है ना, इसका मेमोरी कहने का मतलब, इसका मेमोरी जो होता है अपने को, मेमोरी मेमोरी को डिवाइड किया गया है दो तरीके में। पहला एक मेमोरी होता है, इसको कहते हैं प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है ना, प्रोग्राम मेमोरी। और सेकंड जो मेमोरी होता है उसको कहते हैं डेटा मेमोरी। तो क्वेश्चन ने पूछा, क्या पूछा कि डेटा मेमोरी कितना होता है। ठीक है, तो मेमोरी। अब इसमें जो प्रोग्राम मेमोरी होता है, इसमें एक तरह का होता है, एक एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी होता है, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी होता है। ठीक है ना, तो इसमें एक और क्या होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, एंड सेम उसी तरह से एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। ओके ना, तो ये दो तरीके से होता है। पहला जो प्रोग्राम मेमोरी होता है उसका भी एक पार्ट होता है एक्सटर्नल प्राइम एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, एंड डाटा जो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी। तो जो प्रोग्राम मेमोरी होता है वो प्रोग्राम मेमोरी में अपना रोम रहेगा। ठीक है ना, और इस फॉर एम डाटा मेमोरी में अपना जो रहता है वो रैम रहता है। ओके ना, ये जो रोम जो होता है वो रोम अपना होता है 4 KB का होता है। ठीक है ना, और इसमें अगर रैम होता है तो 128 बाइट का होता है। ओके, 128 बाइट का होता है। अब जो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी जो लगेगा वो होगा 64 KB का। ओके, और जो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी लगेगा वो जो रहेगा 64 KB का। ओके ना, कहने का मतलब क्या, एक्सटर्नल मेमोरी जो मैं लगाऊंगा वो हमेशा 64 KB का रहता है। ओके, तो ऑप्शन पूछा था कि एक्सटर्नल मेमोरी जो लगता है वो कितना पीस, कितना मतलब साइज होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 64 होगा, डेट मीन ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अब 8051 के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देखो, तो 8051 कहने का मतलब उसमें काउंटर होता है, तो उसमें जो काउंटर होता है, काउंटर कह लो या फिर टाइमर कह लो। ओके ना, तो काउंटर या टाइमर जो होता है वो दो होता है। ओके, फिर नंबर ऑफ इंटरप्ट, इसमें नंबर ऑफ इंटरप्ट कितना होता है, इंटरप्ट उसमें जो होता है वो 5 होता है। ओके, फिर इनपुट आउटपुट जो पिन होता है इसमें, टोटल जो पिन होता है वो 32 होता है। ओके, और एक होता है सीरियल, सीरियल पोर्ट एक होता है। ओके ना, सीरियल पोर्ट जो होता है वो एक होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है किसका, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा। ओके, तो इतना सा आप समझ लोगे, अपना एक नॉलेज एक्सपैंड कर लो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर प्लेट्स सेपरेटेड बाय द एम्प्टी स्पेस एंड द कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज द। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो कंसिस्ट करता है दो कंडक्टर प्लेट्स के, जो सेपरेट करता है एम्प्टी स्पेस में। ठीक है ना, और कैपेबल होता है स्टोरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि दो प्लेट है बीच में स्पेस है। ठीक है ना, ये एम्प्टी स्पेस है, ओपन स्पेस एम्प्टी स्पेस है, और ये क्या करता है, स्टोर करता है चार्ज को। ठीक है ना, मान लो ये प्लस नहीं माइनस है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपना कैपेसिटर का स्ट्रक्चर होता है। जो कैपेसिटर होता है वो स्टोरिंग एलिमेंट है। ठीक है ना, तो कैपेसिटर अपना ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, तो आप कैपेसिटर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखो, तो कैपेसिटर सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है, जहां पर क्यू अपने सी इज इक्वल टू क्या है, कैपेसिटेंस है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, चार्ज है, एंड वी इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इन दोनों को प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस है। एक सी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है इन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है ना, जहां पर एरिया क्या है, ये अपना एरिया है। ठीक है ना, एंड ये अपना डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कैपेसिटर से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ओके, और इंडक्टर जो होता है ये भी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये स्टोर करता है मैग्नेटिक डिफरेंस। ठीक है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे करता है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का हो या फिर मैग्नेटिक डिफरेंस का हो, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल का हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है,
इज यूज द ऑटोमेटिक हीटिंग एप्लीकेशन अप्लायंसेस टू कंट्रोल द टेम्परेचर। पूरा ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लायंसेस यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर को। तो आपने आयरन देखा होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आयरन का, क्योंकि आयरन इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आयरन होता क्या है कि मान लो सपोज मैं आयरन दे रहा हूँ, तो आयरन देते तो ऑटोमेटिक वो कट हो जाता है, मतलब ज्यादा अगर हीट करता है तो वो कट हो जाता है। तो वो जो कट हो जाता है ना, तो उसमें वो थर्मोस्टेट लगा होता है, ठीक है ना, इसलिए वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। वही क्वेश्चन बोल रहा है ऑटोमेटिक हीट अप्लायंसेस इज टू कंट्रोल द टेम्परेचर, वो कौन सा यूज, वो क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो रेक्टिफायर तो कभी नहीं होगा, ये तो कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर तो कभी नहीं होगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा अपने को वोल्टेज को, ठीक है ना, एंड वोल्टेज रेगुलेटर तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं अपना हो सकता है। तो थर्मोस्टेट अपना ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, ये क्या करता है, आयरन वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है कि पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन द गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। पोटैटो चिप्स देखा आपने, लेज वगैरह, ठीक है, लेज वगैरह देखा ना, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, ठीक है ना, लेस कुरकुरे ये सब जो होता है ना, ये किसको, इसका पैकेट जो देखा होगा आपने, पैकेट्स में वो क्या भरा होता है, जो एयर होता है ना, वो एयर में क्या भरा होता है, तो वो जो एयर होता है उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है ना, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर यूज अ कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर टू प्रोवाइड फीडबैक। बोल रहा है कौन सा ऑसिलेटर है जो कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर प्रोवाइड कराता है फीडबैक के लिए, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा कॉलपिट होगा। अब कॉलपिट क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, कॉलपिट जो होता है वो उसमें, अब कॉलपिट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखो समझ में आ जाएगा। ये जो कॉलपिट जो होता है, इसमें एक जो होता है एक इंडक्टर होता है, यानी एल होता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इंडक्टर, इंडक्टर होता है, वन इंडक्टर, एंड फिर वन पेयर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। तो कॉलपिट ऑसिलेटर में जो होता है एक इंडक्टर होता है एंड एक पेयर, जो एक पेयर ऑफ कैपेसिटर होता है, ओके ना। तो ये दोनों होता है कॉलपिट ऑसिलेटर में। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट रहेगा अपना, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ये जो होता है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, ठीक है ना, कॉलपिट ऑसिलेटर जो होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है अपना, ओके, इन फीडबैक नेटवर्क, इन फीडबैक नेटवर्क में, ओके। फिर अब इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इस कॉलपिट को हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब 10 किलो हर्ट्स टू अप्रोक्स 100 मेगा हर्ट्स तक, ओके। तो ये कॉलपिट का अपना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि ऑसिलेटर है, वैसा कौन सा ऑसिलेटर है जो कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर है जो प्रोवाइड कराता है फीडबैक में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, कॉलपिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना, ये डीडीटी का फुल बोल रहा है कि डीडीटी जो होता है वो क्या होता है, डीडीटी क्या होता है। तो डीडीटी सबसे पहले समझो कि एक तरह का ये क्रिस्टल होता है, ठीक है ना, डीडीटी जो होता है वो एक तरह का क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। ये क्रिस्टल कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और ये कहो कि ऑर्डरलेस होता है, ठीक है ना, ऑर्डरलेस होता है। ये क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है ना, जो टेस्टलेस भी होता है, कह सकते हो टेस्टलेस भी होता है, ठीक है ना। तो डीडीटी क्या होता है, एक तरह का क्रिस्टल है, कंपाउंड भी कह सकते हो, जो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है ना। अब ये जो है एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो है एक तरह का नॉन बायो डिग्रेडेबल है, ठीक है ना, वेस्ट, ओके। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, ये किस तरीके से होता है, मैं बता रहा हूँ इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, ये मैं सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसका, ये रहा, एंड यहाँ पे अपना एक इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, और ये रहा अपना बॉन्डिंग करेगा इससे, ओके, यहाँ पर अपना इस तरीके से रहेगा, ये क्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन है ये, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, और इसमें एक क्लोरीन लगा रहेगा, एंड इसमें एक क्लोरीन लगा रहेगा, ओके। तो ये जो होता है डीडीटी का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसने बोला कि डीडीटी जो होता है वो क्या होता है, डीडीटी, तो डीडीटी जो होता है वो मोर सोल्यूबल होता है फैट देन द वाटर, मतलब ज्यादा ये फैट में ज्यादा घूमता है वाटर के बनिस्पत, ठीक है ना, वाटर के कंपेयर में फैट में ये ज्यादा घूमता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी।
तो वो रैक लेफ्ट टू राइट किसके पास होता है, ये ऑप्शंस है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको ऑपरेटर्स पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटर्स में जो होता है लेफ्ट टू राइट जो होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है विथ विच गेम इज भाग्यश्री थिप्सी, ठीक है ना, एसोसिएटेड। तो भाग्यश्री जो है किससे एसोसिएट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो चेस से होगा, ठीक है ना, चेस से एसोसिएट है ये। अब चेस के बारे में हल्का डिस्क्रिप्शन ले लो, चेस के बारे में, तो चेस का हल्का डिस्क्रिप्शन ले लो। तो एज एस विजय लक्ष्मी जो है वो एक तरह का इंडियन फर्स्ट वुमेन जो है वो ग्रैंड मास्टर इन चेस में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इंडियन फर्स्ट वुमेन है, ओके ना, इंडियन फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है कहाँ, ये ग्रैंड मास्टर है, ठीक है ना, ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है विलियम स्निड्स, ठीक है ना, ये जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन है, ओके, चैंपियन है, इसलिए इनको जो हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न चेस कहते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न चेस कहा जाता है। ये दो पॉइंट, एस विजय लक्ष्मी जो है वो फर्स्ट इंडियन है जो ग्रैंड मास्टर हुई चेस में, ठीक है ना, ग्रैंड मास्टर हुई चेस में वो, और एक विलियम सिंड्स है ये जो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न चेस कहा जाता है, ठीक है ना। ये अपना जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लेट द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार दिल्ली में किसने बनवाया था, फाउंडेशन किसने किया था, तो कुतुब मीनार के बारे में डिस्क्रिप्शन समझो। सबसे पहले कुतुब मीनार को तो ये पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब इसका डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ, तो कुतुब मीनार के बारे में सबसे पहले समझो, कुतुब, ठीक है ना, इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि हाईएस्ट टावर है, ठीक है ना, हाईएस्ट टावर है इंडिया का, ठीक है ना, ये इंडिया का हाईएस्ट टावर है, ठीक है, सबसे पहला। सेकंड जो इसका पॉइंट रहेगा, ये जो कंप्लीट किया गया था, मतलब स्टार्टिंग जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बट ये स्टार्ट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, ये मर गया था, डेथ कर गया था, तो इसको जो कंप्लीट करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। अब इसका जो हाइट है, हाइट का जो है वो 73 मीटर इसका हाइट है, ठीक है ना, और ये बना कब था, 1193, ठीक है ना, 1193 में बना था ये। अब इसका सपोज करो, इसके मतलब ये जो अपना कुतुब मीनार बना है ना, उसके फुट पर, यानी कि इसके मतलब इसका फुट, इसका सबसे जो जमीन वहां पर है, एरिया है, उस एरिया में एक मस्जिद बनाया गया, कुबतुल इस्लाम, ठीक है ना, कुबतुल इस्लाम एक मॉस्क्यू बना, मॉस्क्यू बना, जो ये क्या है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ड इन इंडिया, यानी पहली मस्जिद है इंडिया की जो दिल्ली में बना था, ठीक है ना, बिल्ड इन इंडिया, तो कौन सा है वो, कुवतुल इस्लाम, ओके ना, कुवतुल इस्लाम एक मस्जिद है जो कहाँ पर है, अपना कुतुब मीनार के जस्ट नीचे है, ओके ना। अब जिन्होंने ये बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्क्रिप्शन देखो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अपना पीरियड है, तो पीरियड जो है 1206 टू लेकर 1210 तक, ठीक है ना, एडी, ये इसका पीरियड है। और इनको जो कहा जाता है वो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओके ना, दिल्ली सल्तनत, इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। एक और इन्होंने बनवाया, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया, ये कहाँ है, ये अपना अजमेर में है, ठीक है ना। तो ये इतना डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, आप इसको याद कर लेना, समझ लेना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो जो पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक है, ठीक है ना, इनको ही रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इन्होंने जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, फिर इसने कुतुब मीनार बनाया, ठीक है ना, जिसका हाइट 73 मीटर है, इसको जो कम्प्लीट कराया वो इल्तुतमिश ने कराया, ठीक है ना, ये इल्तुतमिश ने कराया। और फिर कुवतुल इस्लाम है जो फर्स्ट मॉस्क्यू है इंडिया का, ये कहाँ पर है, कुतुब मीनार के जस्ट नीचे है, ठीक है ना, फुट के पास, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बोल रहा है यागी एंटीना इज अ डायरेक्शनल एंटीना, एक यागी एंटीना, यागी एंटीना का एक टाइप से जो डायरेक्शनल एंटीना कंसिस्टिंग ऑफ पैरालेस्टिक पैरासाइटिक एलिमेंट्स, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ पैरासाइटिक एलिमेंट्स। ये क्या होता है, डायरेक्टर्स होता है, जो पैरासाइटिक एलिमेंट्स होता है वो डायरेक्टर्स होता है, या फिर वन और मोर डायरेक्टर्स होता है, या फिर रिफ्लेक्टर एंड डायरेक्टर्स होता है, या फिर सिर्फ रिफ्लेक्टर होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो यागी एंटीना होता है वो, यागी एंटीना का आपने शेप देखा होगा, तो यागी एंटीना कुछ इस तरीके से होता है, आपने अपने घर में देखा होगा, ये अपना इस तरीके से रहता है, ओके। और एक ये रहा, इसके ऊपर से आपने देखा होगा अपने घर में, ये इस तरीके से रहता है, ये वाला सेम एंटीना आपने जो पहले जमाने में चलता था, ये एंटीना इस तरीके से रहता था। ये जो अपना हो, ये अपना कौन सा है, यागी एंटीना है, ठीक है ना, यागी एंटीना है। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि यागी एंटीना में जो डायरेक्शनल होता है, ये सब जो होता है वो क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है। तो अपना जो होगा, एक रिफ्लेक्टर होता है एंड एक से ज्यादा डायरेक्टर्स भी होता है, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविजन FDM, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड टाइम डिविजन TDM सिस्टम शोज टाइम, इन दोनों का कंपेरिजन करिए, तो ये दोनों क्या शोज करता है, ठीक है ना। तो मैं डिफरेंस लिख दूं FDM एंड TDM के बारे में, तो एक जगह लिखो TDM, एक जगह लिखो FDM, ओके ना। तो सबसे पहला जो है, ये जो वर्किंग करता है, TDM जो वर्क करता है वो डिजिटल एज वेल एज एनालॉग पे, एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है, तो डिजिटल भी वर्क करता है ये, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल पे, ठीक है ना। ये वर्क किस पे करता है, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग पे भी करता है, और FDM जो होता है वो ओनली एनालॉग पे वर्क करता है, ओके ना, एनालॉग सिग्नल। तो इसका जो वर्किंग होता है वो ओनली एनालॉग होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो होता है पॉइंट, ये जो सिंक्रोनाइजेशन पल्स जो होता है वो इसके लिए नेसेसरी होता है, ठीक है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी, ठीक है ना, इसके लिए जो होता है नेसेसरी वो होता है गार्ड बैंड, ठीक है ना, गार्ड बैंड इज नेसेसरी, ठीक है ना। ये मैंने दो पॉइंट लिखा TDM एंड फिर FDM के बारे में। तो TDM जो होता है वो दोनों पे वर्क करता है, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग पे, और जो FDM होता है वो ओनली एनालॉग पे वर्किंग करता है, ठीक है ना। और TDM के लिए जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो पल्स जरूरी होता है, बट इसके लिए क्या होता है, गार्ड बैंड जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अपने इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, FDM डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना, वाइल TDM हैज द ग्रेटर नॉइस इम्यूनिटी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सर्टेन लोड द ट्रू पावर इज 100 वाट एंड द रिएक्टिव पावर इज 100 VAR, ठीक है ना, वाट, ओके, व्हाट इज द अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर पूछ रहा है क्या होता है, तो ट्रू पावर इज इन्होंने दे रखा है, ट्रू पावर कहने का मतलब इसने दे रखा है PT इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 100 वाट। फिर इसने क्या बोला, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर इसने दे रखा है PR इज इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने, 100 वाट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपेरेंट पावर PA फाइंड आउट करने के लिए, तो PA इज इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट PT स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ओके ना। तो चलो इसको सॉल्व करो, तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो 100 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 रहेगा, सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स आएगा 141.4 वाट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, अपेरेंट पी एज टू क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शोल्डरलेस डिवाइसेस फॉर टेम्पररी प्रोटोटाइप विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द टेस्ट सर्किट डिजाइन, मतलब हम लोग जो लैब करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग प्रोटोटाइप एक सर्किट बनाते हैं जो अपना होता है, उसको कहते हैं ब्रेडबोर्ड। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ब्रेडबोर्ड होता है, ठीक है ना, इसमें बीच में पूरा डिवीजन एक रहता है, इस तरीके से पूरा डिवीजन रहता है, और इसका ये अपना डिवीजन कर लो इस तरीके बीच में, ओके ना। और उसके बाद एक और डिवीजन अपना होता है जो यहाँ पर रहता है, एंड ये डिवीजन ये रहता है, ठीक है। इसका जो कनेक्शन होता है, मैं आपने ब्रेडबोर्ड देखा होगा तो कुछ इस तरीके से रहता है ये अपना, एंड यहाँ से ये अपना ब्रेक रहता है, ओके। और इसका जो कनेक्शन होता है, मैं कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ये इस तरीके से सीरीज में होता है, ठीक है ना, ये कनेक्शन सीरीज में होता है दोनों साइड, सीरीज कनेक्शन होता है, सेम इसी तरह से यहाँ भी सीरीज कनेक्शन होता है, ओके ना, सारा वायर अंदर अंदर जुड़ा होता है, और इसमें जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, सारा में पैरेलल होता है इस तरीके से। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ये मैं ब्रेडबोर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड है ना।
तो इसने बोला कि जो सोल्डरलेस डिवाइसेस होता है, जो टेम्प्रोरी होता है प्रोटोटाइप करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट डिजाइन करने के लिए, तो ये उसको कहते हैं ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड पे हम लोग सारा काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सर्किट हुज आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड कंसीडर टू बी स्टेप ऑफ एम्पलीफायर। तो बोल रहा है कि आउटपुट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसने क्या बोला, इसने क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया कि जो आउटपुट आएगा वो प्रोपोर्शन रहेगा डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के डिफरेंस पे। तो इसने यही पे क्वेश्चन में ही सोल्यूशन दे दिया है। तो डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल कहने का मतलब वो क्या होगा, वो डिफरेंशियल होगा। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्स। ब्रिज टाइप एक फुल वेव रेक्टिफायर कितना डायोड को रिक्वायर करेगा, 4 डायोड, 3 डायोड, 1 डायोड या फिर 2 डायोड। ठीक है ना, तो इसमें तो अपना 4 डायोड होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये अपना डायोड रहेगा एंड इस तरीके इधर भी अपना एक डायोड रहेगा। ओके, तो और फिर नेक्स्ट इधर एक रहेगा एंड ये एक इधर रहेगा। ओके ना, ये डायोड रहा और यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, ये वाला अपना इनपुट टर्मिनल हो गया। ओके ना, और ये अपना आउटपुट टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट क्या देते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ ट्रांसफॉर्मर का सेकंड पॉइंट। ठीक है ना, ये अपना क्या रहेगा, इनपुट एसी रहेगा। ठीक है ना, एसी इनपुट रहता है एंड ये अपना आउटपुट रहता है। ओके, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये क्या है, ये एक तरह का ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है ना, ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है ना, इसमें कितना डायोड लग रहा है, मान लो D1 है, D2 है, D3 एंड D4। ठीक है ना, तो 4 डायोड लग रहा है अपना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। बोल रहा है रेक्टिलिनियर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द, तो रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो आप इसका नाम से पता चल रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या फिर उसको कह सकते हो लिनियर मोशन कह सकते हो, यानी रेक्टिलिनियर को कह सकते हैं लिनियर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, लिनियर मोशन भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो ये जो होता है ये क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एल्युमिनियम ओर इज नोन एज द, एल्युमिनियम का ओर इसने पूछा कि एल्युमिनियम का कौन सा ओर होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन से चलो, तो ऑप्शन इसका जो होगा वो बॉक्साइट होगा, एल्युमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइट होता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, गलेना, गलेना जो होता है ये अपना ओर जो होता है वो लीड का होता है। ठीक है ना, लेड का ये गलेना ओर होता है। हेमाटाइट जो होता है वो आयरन का ओर होता है। ठीक है ना, एंड ये तो मैंने बताया जस्ट, ये एल्युमिनियम का ओर होता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम का ओर होता है एंड एलम जो है एक तरह का कंपाउंड है। ठीक है ना, ये एक तरह का कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि हु वॉन गोल्ड इन देन कॉल्ड 2019 में, तो ये एक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उस टाइम का करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो उसका जो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है ना, बजरंग पुनिया होगा, इसने जीता था। तो ये 2019 का करंट अफेयर्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बोल रहा है कि व्हाट इज द आइडियल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपेम। ठीक है ना, आइडियल इनपुट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ओपेम का, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन हमारा होगा वो डायरेक्टली मैं लगा दूं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इन्फिनिटी। हम इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक तरह का पैरामीटर। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आइडियल वैल्यू लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू उसका लिख दे रहा हूँ, ताकि आप प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लेना। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर, सबसे पहला वोल्टेज गेन। ठीक है ना, डिनोट करते हैं हम लोग एवी से। इसका जो आइडियल वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है एंड इसका प्रैक्टिकल वैल्यू जो होता है अप्रोक्स 10^6 होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखा मैंने इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, डेट मीन्स कहने का मतलब आर आई, इसका जो वैल्यू होता है आइडियल में वो इन्फिनिटी होता है एंड प्रैक्टिकल वैल्यू लगभग अप्रोक्स 1 mΩ होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो अपना है, नेक्स्ट जो रहेगा वो आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट मींस कहने का मतलब आर आउट। ठीक है ना, आर नॉट, ये जो होता है वो 0 होता है, ये अप्रोक्स कहने का मतलब 10 Ω to 100 Ω। ओके ना, अब नेक्स्ट जो पॉइंट अपना रहेगा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जो होता है इसका वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल जो होता है वैल्यू अप्रोक्स 1 MHz। ओके, नेक्स्ट एक होता है स्लीव रेट। ओके ना, स्लीव रेट,
ठीक है ना, ये इन्फिनिटी होता है, और प्रैक्टिकल जो वैल्यू होता है अप्रोक्स 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, ठीक है ना। तो ये इतना डाटा है, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये बोल रहा था कि आइडियल इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल ओपन का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है सर्कुलर रिंग ऑफ अ कॉपर ऑन द पीसीबी फॉर मेकिंग द शोल्डर कनेक्शन। एक सर्कुलर रिंग होता है, आपने देखा होगा, जो एक तरह का मान लो जो रंगा का बना होता है ना, सर्कुलर रिंग इस तरीके का होता है, ये वाला रिंग जो होता है इसी से हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। तो बोल रहा है कि उसको क्या कहते हैं, लीड सर्कुलर, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, तो उसका आपने देखा होगा सोल्डरिंग करते हुए, तो उसका जो नाम है ऑप्शन नंबर नंबर सी पैड्स है, ठीक है, उसको पैड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24, बोला द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड एटमोस्फेरिक प्रेशर। बोला कि 1 kg सॉलिड्स को हमको चेंज करना है लिक्विड में एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, इसका मेल्टिंग, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहेंगे। ये जो है पूरा फुल डिफिनेशन उठा लिया, ये जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ये डिफिनेशन इन्होंने उठा रखा है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, तो सबसे पहले समझ लो इसका मतलब क्या हुआ। लेटेंट ऑफ फ्यूजन अगर वाटर का पूछेगा, यानी ये जो है इसका अगर वाटर का पूछेगा, ये कितना होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो होता है 334 जूल पर के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बैंक इज द सिटी ऑफ द नासिक लोकेटेड। द किस नदी के किनारे नासिक जो है वो लोकेट करता है, ठीक है ना। तो ये जो रिवर है वो नासिक जो लोकेट करता है, ये सबसे पहले पता करो कि नासिक है कहाँ। तो नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, ये है कहाँ, ये महाराष्ट्र है ना, ये कहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है ना, मुंबई में है। तो ये जो होता है ये जो है गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है ना। महाराष्ट्र कौन सा है, गोदावरी नदी के, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो अब गोदावरी नदी के बारे में डिस्क्रिप्शन देखो, तो गोदावरी नदी जो है वो उत्तरा का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, या फिर इसको और भी कहते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, गोदावरी को। अब एक महाराष्ट्र के बारे में, अब नासिक के बारे में हल्का जानो, तो नासिक जो है इसको कहते हैं वाइन कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख लो, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसने, या फिर इसको कहो कि इससे सबसे पहले जो इसने मतलब होस्टिंग किया था कुंभ मेला का, इसने होस्टिंग किया करता है ये, तो इसने क्या बोला, यहाँ पे लिख दो कुंभ मेला एवरी 12 ईयर, ठीक है ना। तो ये कुंभ मेला का होस्टिंग करता है एवरी 12 ईयर पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इन इंडिया। तो ये थीम पूछ रहा है कि ये इसका थीम क्या है, एनपीसी का थीम क्या है। तो उस टाइम पर जो अपना जो करंट अफेयर्स था उस टाइम में जो थीम लिया गया था वो सर्कुलर इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, उस टाइम में जो 2019 का ये करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, ये सी ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लॉट ऑफ साउंड्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मेजरिंग द, ठीक है ना, मतलब जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं ये इस तरह का जो साउंड आता है वो किस में आता है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये जो साउंड जो आता है वो ब्लड प्रेशर में आता है, ठीक है ना। जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम लोग जो लगाते हैं वो वाला स्टेथोस्कोप लगाते हैं, तो वो जो साउंड आता है ना वो इस तरीके का साउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाए, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता क्या, पहले समझ लो, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ये जो होता है एक तरह का कैस्केडिंग होता है, ठीक है ना, कैस्केडिंग ऑफ टू फ्लिप फ्लॉप का कैस्केडिंग होता है। टू फ्लिप फ्लॉप कैसा होगा, फर्स्ट जो होगा जो फ्लिप फ्लॉप वो एज अ मास्टर रहेगा, ठीक है ना, मास्टर रहेगा, और जो सेकंड रहेगा वो सेकंड क्या रहेगा, इस तरह का स्लेव रहेगा, वो ना स्लेव
फ्लिप फ्लॉप रहेगा, ओके ना। एक तरह का कैस्केडिंग फ्लिप फ्लॉप होता है, कैस्केडिंग ऑफ टू फ्लिप फ्लॉप है, इसको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बोल रहा है चेंज इन द आउटपुट अकर्स व्हेन द स्टेट ऑफ द मास्टर स्लेव इज अफेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पंडित जसराज इन एन इंडियन क्लासिकल, ये जो है तरह का अपना ये है करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स ये बोल रहा कि कहाँ का है ये, इसने लोकेशन पूछा कि ये जो है पंडित जसराज ये कहाँ का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी होगा, मेवाती का है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बोल रहा है कि वेस्टिजियल सेडमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन, वेस्टिजियल सेडमेंट VSB होता है ना, VSB, तो कम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं VSB, वेस्टिजियल सेडमेंट। ये बोल रहा है कि कॉमनली यूज इन, इसमें कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका जो मेन एडवांटेज अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप समझ लोगे, फिर मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। ये जो टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज करते हैं VSB, हम लोग टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। और इसका एडवांटेज देखो, एडवांटेज जो होता है सबसे पहले मेन जो एडवांटेज होता है ये क्या करता है, ये बैंडविड्थ को सेव करता है, ठीक है ना, सेव दी बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ को सेव करता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं, अगर मान लो सपोज इसको हम लोग डीमोडुलेटर करें, डीमोडुलेटर, तो इसका जो डी मॉड्यूलेटर होता है वो कौन सा होता है, उसमें हम यूज करते हैं इनवेलप डिटेक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग इनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं, तो ये अपना पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें जो डी मॉड्यूलेटर होता है वो इनवेलप डिटेक्टर होता है, और ये क्या करता है बैंडविड्थ को सेव करता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा VSB के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बोल रहा है कंप्यूटर मॉडेम रेटिंग ऑफ 56K रिफर्स टू दी, मतलब अगर कंप्यूटर मॉडेम जो है उस पर लिखा हुआ रेटिंग किया हुआ है 56K, इसका मतलब क्या होता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 56K कहने का मतलब ये हो गया कि अपना जो होगा वो एक तरह का ट्रांसमिशन स्पीड दिया रखा उन्होंने, मतलब कितने स्पीड से उसका सिग्नल जाएगा, तो ट्रांसमिशन स्पीड उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पे इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। कैल्शियम जो होता है वो 20 होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो होता है टोटल नंबर 8 होता है। अब इन सबका ग्रुपिंग करो, ठीक है ना। इसका ग्रुपिंग होगा 2 4, ठीक है ना। इसका ग्रुपिंग करो तो 2 एंड 1, इसका ग्रुपिंग करो तो 2 8 8 एंड 2, ओके ना। एंड इसका ग्रुपिंग करो तो 2 एंड 6। अब देखो ये अपना आउटर मोस्ट है, ठीक है ना, ये वाला आपने देख रहे हो, ये अपना आउटर मोस्ट है, ये अपना आउटर मोस्ट है। तो क्वेश्चन ने बोला कि किसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 है, ये 6 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। बोला 2 और मोर डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक इन कनेक्शन, तो उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, जब 2 और 2 से ज्यादा डिवाइसेस को शेयर करता है तो उस डिवाइसेस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग यूनि पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी उसको कहते हैं मल्टी पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इसको कहते हैं मल्टी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। पूरा बंगाल फैमिनी अकर्ड इन द ईयर, बंगाल फैमिनी कहने का मतलब अकाल, जो बंगाल में अकाल आया था ना, अकाल वो कब आया था, उसने क्वेश्चन पूछा कि बंगाल फैमिनी कब आया था। ये जो अकाल आया था 1943 to 1944 में अप्रोक्स आया था, ठीक है ना। तो ये है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, अकाल, ठीक है ना। इस अकाल में क्या हुआ था कि अप्रोक्स 3 मिलियन जो पीपल जो है, 3 मिलियन पीपल जो है वो डेड कर गए थे, पीपल डेड, ठीक है ना। तो 3 मिलियन पीपल जो है वो डेड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। बोल रहा है सिंगल फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉड्यूलो काउंटर, मतलब सिंगल फ्लिप फ्लॉप में मॉड्यूलर काउंटर कितना होता है, वो क्वेश्चन पूछा आपने, इसने क्वेश्चन पूछा। तो सिंगल फ्लिप फ्लॉप में मॉड्यूलर काउंटर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ डायपोल कैरीज आरएमएस करंट इज अबाउट 3300 एम्पियर अक्रॉस द रेडिएशन रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, तो एंटीना का पावर निकालने के लिए बोला कि कितना रेडिएट करेगा पावर को। तो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना PR इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I² R, ठीक है ना, R रेडिएटेड। तो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना P इज इक्वल टू I² R होता है ना, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू I² R फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पावर का ये फॉर्मूला होता है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है, तो I² I कहने का मतलब 300 का स्क्वायर इंटू रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड जो अपना रेजिस्टेंस है वो 2 दिया हुआ। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 180 किलो वाट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा कि बंधुधर
ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स, ये जो ट्रॉफी है किस स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, तो ये जो ट्रॉफी है जो अपना स्पोर्ट्स है तो अब इसका फुटबॉल से रिलेट करता है, ठीक है ना, तो फुटबॉल से ट्रॉफी रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बोल रहा है नोवास फैक्टर ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द, नोवास फैक्टर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं कोई सिस्टम का, तो नोवास फैक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, नोवास फैक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू इनपुट एस एन अपॉन आउटपुट एस एन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है नोवास फैक्टर का। तो देखो ऐसा डिफिनेशन लिख रखा है इसमें ना कहीं, रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट एस एन आर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 10th सिख गुरु, 10th सिख गुरु कौन है इनमें से, तो इन्हें 10th कहने का मतलब, 10th मतलब ये लास्ट गुरु रहेंगे, ठीक है ना, 10th गुरु कहने का मतलब 10th कहो या फिर लास्ट कहो, यानी लास्ट गुरु या 10th गुरु, ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है ना, गुरु सिंह, ओके ना। अब ये जो है वो बॉर्न पैदा हुए थे ये पटना में, ठीक है ना, पटना बिहार, ये बिहार में पैदा हुए थे। अब इन्हें ये जो जो गुरु बने, बिकम गुरु, बिकम अ गुरु एट द एज ऑफ 9 years, ठीक है ना, तो 9 साल के आयु में इन्होंने गुरु बना, ठीक है ना। अब इसने इन्होंने जो है 5K इंट्रोड्यूस कराया, 5Ks इंट्रोड्यूस कराया, 5Ks होता क्या है मैं बता रहा हूँ, इंट्रो ड्यूज, तो 5K जो होता है, 5K कहने का मतलब, 5K मीन्स होता है सबसे पहला केस, एक होता है केश, ठीक है ना, नेक्स्ट केस होगा कंघा, नेक्स्ट केस होगा किरपान, ठीक है ना, नेक्स्ट केस होगा कारा, एंड लास्ट केस हो जाएगा कचेरा, ठीक है ना, ये 5K इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, कौन है लास्ट या फिर 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपको याद भी होगा, तो ये इसमें जो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कैरी करंट्स, ठीक है ना, बहुत इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कैरी करंट्स, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। खाली इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी नहीं करेगा ये भी तो हो ही नहीं सकता, कैरी करंट विथ होल्स बींग द मेजोरिटी कैरी, माइनॉरिटी कैरी ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, होल्स खाली करेगा ये भी नहीं, दोनों मिलकर करंट को कैरी करता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इंट्रांसिक में, एक्सट्रांसिक में अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू डिस्पैच एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इनमें से कौन सा है, मतलब ये एक्सप्रेशन है इसमें से कौन सा होगा, बोल रहा है कि एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, पार्ट कोड बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा स्विच है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा, स्विच, इसको बेस्ड, ठीक है ना, ये पार्ट बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द वैल्यू एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन प्रोजेक्ट IPP जो होता है 8 वाज एम्ड, इसका क्या एम्ड था, ठीक है ना, IPP 8 का एम्ड क्या था, तो इसका जो एम था अपना, आप उस टाइम देखा होगा जब IPP 8 आया था, तो उस टाइम उसका जो एज, जो इसका एम था, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस इन दी अर्बन स्लम्स इन सिटीज दिल्ली कलकत्ता एंड हैदराबाद एंड बैंगलोर, इन हैदराबाद दिल्ली बैंगलोर कलकत्ता में जो स्लम एरिया होता है ना, उसका हेल्थ का एंड उसका फैमिली वेलफेयर सर्विस का मतलब इम्प्रूव करने के लिए था IPP, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लीनियर मीटर विथ अ 1% फुल स्केल एक्यूरेसी, तो क्वेश्चन ने पूछा 1% फुल स्केल एक्यूरेसी, तो एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया, एक्यूरेसी शुड हैव द ऑन द 1 वोल्ट रेंज, इसका रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या होगा, इसका रेंज देखो अब डायरेक्टली मतलब पूछ रहा है कि 1% है, तो 1% कहने का मतलब 100 डिवीजन होगा, ठीक है ना, 100 डिवीजन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कंपैरेटर सर्किट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 3-bit साइमल्टेनियस AC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना, तो 3-bit कन्वर्टर है, दैट मींस कहने का मतलब n इज इक्वल टू क्या इन्होंने दे रखा है 3, तो नंबर ऑफ कंपैरेटर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंपैरेटर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2n-1, ठीक है ना, कहने का मतलब 2 पावर 3 माइनस 1 दैट मींस 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से स्टेटमेंट जो दे रखा है इसमें से कौन सा है वो फॉल्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, बोल रहा है कि इन अ कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द फ्रंट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है सी जो होता है फ्रंट ऑफ द मिरर होता है कॉनकेव में, ये बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो प्लग्ड आउटसाइड होता है, नेक्स्ट बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज द फ्रंट ऑफ द मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फ्रंट में होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो होता है प्लट और साइड होता है, इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है, ठीक है ना। प्लट कहने का मतलब क्या होता है, चपटा, ठीक है ना, चपटी जो है ना, आपने देखा ना कॉनकेव हो गया कॉनवेक्स हो गया इस तरह का देखा ना, ये अपना क्या है कॉनकेव है, कॉनकेव है एंड ये क्या अपना कॉनवेक्स है, कॉनवेक्स, ठीक है ना। इसका जो लेयरिंग होता है ये लेयर जो होगा ये अपने इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, इधर प्लेटिंग क्या रहेगा एंड ये अपना देखने वाला रहेगा, ठीक है ना, और ये जो रहेगा अपना इस तरीके से इधर प्लेटिंग किया रहता है पेंटिंग किया रहेगा और ये अपना देखने वाला रहता है, ओके ना। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसने क्वेश्चन बोला, इन्होंने बोला कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, वो फ्रंट पे होता है ये बोला है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला कि उसका जो मिरर जो होता है आउटसाइड बाहर की तरफ प्लट किया रहता है, ठीक है ना, चपटा रहता है बाहर की तरफ, इसने क्वेश्चन बोला, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी होगा, स्टेटमेंट 3 और 4 सही है, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर जो है एक तक सेंटर कन्वर्सर जो होता है वो फ्रंट पे होता है, मिरर के फ्रंट पे होता है और उसका जो एक साइड जो होता है आउट साइड बाहर की तरफ चपटा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर एंड द प्रोविजन अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन एंड टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर इज नोन एज द, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अर्थ एटमोस्फेयर से, ठीक है ना। ये जो होगा ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। सिंपली ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो इतना डिफरेंशियल लिखा ना इस डिफरेंशियल का मतलब क्या हो, ऑल्सो नोन एज द, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो डेक्लिस ने क्या पूछ रहा कि इसको कहते क्या है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना, सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटिविटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम तो कभी नहीं कहेंगे, लिक्विड डेंसिटी तो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि इसने डायरेक्टली सब्सटेंस बोला, अगर लिक्विड नाम देता तो लिक्विड कह सकते थे, ठीक है ना, और सरफेस एरिया तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इफ लिंक ट्रांसमिट्स 2000 फ्रेम्स पर सेकंड एंड इस स्लॉट्स है 16 बिट, तो पूरा ट्रांसमिशन रेट सर्किट टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या उसका रेट होगा, ट्रांसमिशन रेट पूछ रहा है इन्हें क्वेश्चन। तो ट्रांसमिशन रेट निकालने के लिए ट्रांसमिशन जो रेट का फॉर्मूला होता है, ट्रांसमिशन रेट का जो फॉर्मूला होता है कितना फ्रेम रेट है, ठीक है ना, फ्रेम रेट इंटू उसने बोला नंबर ऑफ बिट्स कितना एक ले रहा है, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब फ्रेम रेट कितना 2000 है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बिट्स कितना 16, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 32 KB/s, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंपाउंड इज कॉल्ड, ये क्या है, एक तरह का डेफिनेशन है। बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें प्रोड्यूस करते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक को पास करते हैं कंपाउंड में, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, उसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी ये कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के कहाँ है, जबलपुर में, जबलपुर में, ठीक है ना। तो कहाँ है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, बोल रहा है कि मैक एड्रेस इज रिटन इन द विच फॉर्मेट, मैक एड्रेस जो लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले मैक का फुल फॉर्म समझो कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना, ये मैक का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो बिट होता है वो बिट होता है 48 बिट, ठीक है ना, नंबर। इसका अगर मान लो ये ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये 6 ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 2 हेक्सा डेसिमल नंबर का ये ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, वो डी होगा, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हो रहा है कि ट्रांजिस्टर यूज्ड एज अ पावर एम्पलीफायर आर जनरली माउंटेड ऑन अ मेटेलिक प्लेट्स
एस टू, यानी कि जो एम्पलीफायर यूज करते हैं, जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, या फिर कोई अदर चीज भी यूज करते हैं, तो उसमें मैं एक माउंटेड करता हूँ, एक मेटेलिक प्लेट लगाता हूँ, ठीक है ना। उसको हम लोग हीट सिंक कहते हैं, उस मेटेलिक प्लेट को हम लोग हीट सिंक कहते हैं। तो हीट सिंक क्यों लगाते हैं वो क्वेश्चन बोल रहा है। तो रेडिएट द एक्सेसिव हीट डेवलपिंग इन द इंडियम ड्यूरिंग वर्किंग, मतलब जो वर्किंग के टाइम में जो हीट रेडिएट होता है ना, उसको जो डेवलप होता है ना, उस हीट को रेडिएट करने के लिए हम लोग हीट सिंक लगाते हैं। ये हीट मेटेलिक प्लेट्स क्या है, एक तरह का हीट सिंक है, ठीक है ना, हीट सिंक है, ओके ना, हीट सिंक लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलो, फॉर अ हॉल इफेक्ट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू, हॉल इफेक्ट जो होता है ना पीएन जंक्शन में, डायोड वगैरह में, तो उससे हम लोग उसको यूज क्यों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, मल्टीप्लाई टू सिग्नल को, ठीक है ना। तो हॉल इफेक्ट जो होता है, अगर सिग्नल के बारे में बात करें इस ऑप्शन के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन हुआ है वो 50 तक कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आगे का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ ये 1/9/2019 का ये पेपर था, ठीक है ना, इसी ब्रांच में अपना ये पेपर है, ओके ना। तो ये पेपर अपना अभी 50 क्वेश्चन तक हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का पार्ट टू आएगा, पार्ट टू का वेट करिए। पार्ट टू में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 51 से आगे रहेगा, ठीक है ना, 51 से आगे तक रहेगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।